हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव, आइडियल टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। हिंदी टाइपिंग ट्यूटोरियल सीरीज का ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम लोग हिंदी टाइपिंग के सेकेंड वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम फर्स्ट रो का हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिंदी टाइपिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहले आपके पास एक पीसी या डेस्कटॉप या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी कुछ हो होना चाहिए, कोई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे एमएस वर्ड हुआ, चाहे आपका वर्डपैड हुआ, दोनों में से कोई भी रहे आपका काम हो सकता है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके पास कोई हिंदी फॉन्ट्स होना चाहिए। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हिंदी फॉन्ट्स अगर आपके पास नहीं है तो इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करोगे और उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आई होप आप लोग के पास ये सब तीनों चीज़ें होंगी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हिंदी टाइपिंग हम पहले स्टार्ट कैसे करते हैं। तो और इस हर वीडियो के अंत में मैं कुछ एक्सरसाइज आपको दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस एक्सरसाइज को करके ही नेक्स्ट लेसन के एक्सरसाइज को करें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आप एमएस ऑफिस, अकाउंटिंग, टैली, डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपिंग, मोबाइल रिपेयरिंग और हार्डवेयर में मास्टर एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करने के पहले आपके पास एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आपके जो फिंगर्स होते हैं, जैसे हमारे पास दोनों हैंड्स के फिंगर्स के अलग अलग फिंगर्स के नाम होते हैं। जैसे ये हमारी लिटिल फिंगर हो गई, ये रिंग फिंगर हो गया, और ये चीज़ हमारा मिडिल हो गया, ये हमारा फोर्थ फिंगर हो गया, और ये हमारा थंब फिंगर हो गया। तो इसके लिए आपको एमएस वर्ड स्टार्ट कर लेना है। एमएस वर्ड स्टार्ट करने के बाद लेसन वन जो हमारा है के ही शा, यानी जो के ही है वह लेफ्ट हैंड से टाइप होगा और राइट हैंड से शा टाइप होगा। तो अपने फिंगर्स को हम यस से स्टार्ट करके डी एफ जी और इधर बीच में यच जे छोड़ करके राइट हैंड को के यल और सेमी कॉलन और कॉमा पे रखेंगे। तो देखिए हम टाइप कर रहे हैं जैसे के ही, फिर इसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद राइट हैंड का ये स य सा। फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने लेसन फर्स्ट में दिया है जो श सलजम वाला श आधा श है, लेकिन जब आप टाइपिंग करेंगे तो षटकोण वाला आएगा। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर बड़ा सा चाहिए तो सिर्फ दबा के आप उसी फिंगर को प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। तो अभी आप इसी से प्रैक्टिस करिएगा। और हिंदी टाइपिंग जब आप करते हैं तो हिंदी फॉन्ट्स में कुछ फॉन्ट्स आप मान के चलो कि एक दो फॉन्ट्स ऐसे मिलेंगे जो कि मैच ना करते हों, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग के पास कई अच्छे साधन हैं जिसका हम उसको अच्छे से उसको सही कर सकते हैं। जैसे अभी ही हमें बड़े स को लिखना है तो सिर्फ दबा के उसी फिंगर को प्रेस करेंगे। तो हम लोग इसी पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। अब आपको टाइप करना है के ही स्पेस या शा, फिर स्पेस देंगे इस थंब से, राइट हैंड के थंब से हम स्पेस देंगे। मेरे फिंगर्स को आप देखिए के ही स्पेस या शा, के ही स या स्पेस देना है आपको स या शा, फिर से ये स्पेस या शा के ही। देखिए मेरे फिंगर्स को, आपको देखिए मेरे फिंगर्स उठ नहीं रहे हैं। आप जब भी आप टाइपिंग करिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि फिंगर्स उठने नहीं चाहिए। आप जब फर्स्ट लेसन की टाइपिंग करते हैं तो ये फिंगर्स आपके उठने नहीं चाहिए। देखिए मेरे फिंगर्स उठ नहीं रहे हैं। अब इस लेसन को कम से कम आपको 3 पेज टाइप करना है। पेशेंस से रख के सीधे बैठकर आपको अपने फिंगर्स को अपना कंसंट्रेशन करके इसको आपको कम से कम 3 पेज टाइप करना चाहिए। ओके, ये 3 पेज टाइप होने के बाद हम लेसन 2 पे जाते हैं। लेसन 2 जो हमारा है इसका जो ये है के ही श या शारा। अब इसको हम लोग कैसे टाइप करेंगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ये लेसन 2 है, इसमें हम लोग कैसे करेंगे। आपका जो फर्स्ट लेसन था वो होम रो था, यानी आपकी फिंगर उसी तरह हमेशा होना चाहिए, बीच में यज्जे छोड़ना चाहिए, छुटा होना चाहिए, और आपका जो राइट हैंड का जो थंब है स्पेस बार पे होना चाहिए। तो आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इस चीज़ को। इसके लिए पहले आप अपने लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड का, देखिए मेरे फिंगर्स को आप देखिएगा
ये लिटिल फिंगर को ए पे प्रेस करिएगा और स्पेस दबाइएगा, फिर से जो आपने फर्स्ट लेसन में किया था उसको करिएगा, फिर अपने फोर्थ फिंगर को उठा के यच पे जाइएगा और फिर वापस आकर फिर जी को प्रेस करिएगा। देखिए के ही श य के ही हो गया। अब इधर क्या करेंगे, श य शा रा, मैंने बताया था कि षटकोण जो आधा आ रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं, आप सिर दबा के करेंगे तो श आ जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसी पे प्रैक्टिस करिएगा। और ध्यान रखिएगा जब भी आपने बड़े श की जरूरत होगी तो हम वहाँ सिर्फ दबा के इस चीज़ को प्रेस कर लेंगे। ओके, तो फिर आप इस चीज़ को भी प्रैक्टिस करना होगा आपको, जिस तरह मैं करके बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से स य शा रा, देखिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ श य शा रा के ही, श य शा रा के ही, श य स्पेस श य शा रा के ही, श य शा रा के ही, श य शा रा के ही, श य शा रा के ही। देखिए इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप देखिए स्पेस देना है, पहले ए फिर स्पेस, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे देना है, फिर स य सा, फिर फिंगर उठेगा, फिर यहाँ पे, फिर आके यहाँ पे, देखिए जो फिंगर उठ रहा है केवल वही उठ रहा है, बाकी सेम हमारा पोजीशन पे है, होम रो पे है। यहाँ पे हमने इस चीज़ को कर लिया के ही शा या शा रा, ये यहाँ से। अब देखिए अगर आप इंटरेस्ट लेके करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है टाइपिंग करना। अब ये लेसन कम से कम आपको दो पेज करना है। अब हम लोग लेसन थ्री में इसके एक्सरसाइज पढ़ेंगे कि लेसन वन और लेसन टू के जो हमने वर्ड सीखा है उसके बेसिक पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे दिख रही है उसके अनुसार हम लोग टाइपिंग करेंगे। उसमें कई सारे वर्ड्स हैं, हर वर्ड्स को तीन तीन लाइन टाइप करना। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज के हर वर्ड के तीन तीन लाइन आपको टाइप करना है। जैसे इसमें पहला वर्ड है कार, तो कार को कैसे टाइप करेंगे, कार, देखिए कार टाइप में कर रहा हूँ, हमारे फिंगर सारे होम रो पे है, जो फिंगर जरूरत है बस वही उठ रहा है, बाकी सब सेम वहीं पे है, कार। देखिए इस तरीके से हर वर्ड को आपको करना है, इस तरीके से आपको कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन था, यानी हम लोग फर्स्ट रो हम लोग ने पढ़ लिया है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को मैंने जो जो भी प्रैक्टिस बताया है, जितने जितने मात्रा में बताया आप उसको करिए, और पूरे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हिंदी टाइपिंग बड़े आसाराम से एक हफ्ते के अंदर आप आसानी से सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट लाइक करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में होम रो के ऊपर वाली रो के बारे में की वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे टाइप होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।